Good morning, children. This is Aziz and you are watching Ms. Wahi Education channel ki taraf se. Topic is electric motor. क्या बच्चों आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक मोटर. आज के इस टॉपिक में बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में. क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में. किसमें कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उस मोटर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर. हमारे घरों में जो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो ज़्यादातर एसी मोटर पे काम करते हैं. तो दो टाइप्स के मोटर हो गए, एसी मोटर और डीसी मोटर. ठीक है, जैसे पंखा है ना, आपका वॉशिंग मशीन है, ये एसी मोटर पे काम करते हैं. और अगर हमारे घर में जो टिल्लू पंप लगाया था, जैसे पावर वाटर पंप आउट होता है या मिक्सर ग्राइंडर वगैरह होता है, वो वर्कआउट करते हैं हमारे डीसी मोटर पे. तो बच्चों आज हम बात करेंगे आपके डीसी मोटर के बारे में. बात करेंगे किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ये. आप सभी को मालूम है कि जब करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है. क्या एग्जर्ट होता है? करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक कंपास पर फोर्स लगाता था, जो हमने इसके पहले के वीडियो में बताए थे, कॉइल वाला वीडियो था. ठीक है, और जो मैग्नेटिक कंपास होता है तो वो भी फोर्स एग्जर्ट करता है करंट कैरिंग वायर पे. तो यहाँ पे यानी कि दो तरह के फोर्स हो गए, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा. इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करेगा. व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में हम रखेंगे, प्लेस करेंगे, इट एक्सपीरियंसेस एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन इट्स एजेस. तो ये कैसा फोर्स? इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, विच रोटेट इट कंटिन्यूअसली, और वो इसको कंटिन्यूअसली रोटेट करने के लिए हेल्पफुल होगा. ये इसका प्रिंसिपल हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का बच्चों, कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंसेस करेगा, जो उसकी एजेस पर लगेगा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन, और उसको रोटेट करने में हेल्पफुल होगा. ये इसका प्रिंसिपल हो गया. अब कंस्ट्रक्शन हम देख लें इलेक्ट्रिक मोटर का. तो इलेक्ट्रिक मोटर में फाइव पार्ट्स होते हैं बच्चों. आर्मेचर होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होता है, ब्रशेज होते हैं या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स हम बोलते हैं, और बैटरी होती है. ये इतना हमें इक्विपमेंट्स चाहिए इलेक्ट्रिक मोटर को कंप्लीट करने के लिए. तो पहला है हमारा आर्मेचर, एबीसीडी. यहाँ देखिए बच्चों, दिख रहा है? ब्लर तो नहीं हो रहा? एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमारे कैमरे में, ब्लर हो रहा है, ये फोकस छोड़ रहा है. तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, जैसे ही ये कोरोना वायरस खत्म होता है तो मैं अपने कैमरे को सही कराऊंगा. ठीक है, जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो शॉप वगैरह खुलती है. अभी फिलहाल इसी से काम चला लीजिए, मैं भी चला रहा हूँ काम, आप भी चला लीजिए. आर्मेचर, ये हमारा आर्मेचर है ए बी सी डी. ये एक आर्मेचर ए बी सी डी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर. ये क्या है? ए बी सी डी एक आर्मेचर है. इसमें क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, इंसुलेटेड कॉपर वायर के इसमें टर्न्स हैं, जो कि यहाँ पे विजिबल नहीं हो पा रहे, टर्न्स हैं सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर. और इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर है और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें लगा के रखे हैं कॉपर वायर के. ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया आर्मेचर. क्या आर्मेचर? ये ए बी सी डी जो आपको ये स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगल शेप का जो दिख रहा है, ये आर्मेचर हमारा. इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स टर्न्स हैं, ठीक है, और सॉफ्ट आयरन कोर भी इसके अंदर प्लेस्ड है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर कॉइल प्लेस बिटवीन टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. अब एक ये नॉर्थ पोल हो गया, एक ये हमारा साउथ पोल हो गया, इसके बीच में हमने आर्मेचर को रख रखा है. और ये ऊपर से ऐसे जाके हो सकता है, यू शेप्ड मैग्नेट भी हो सकती है, यू शेप्ड मैग्नेट ऐसे जाके ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें वहां पे मिल जाएगी. यानी कि इस आर्मेचर को हमने कहां पर प्लेस किया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल्स के बीच में कनेक्ट कर दिया. ठीक है, बहुत बढ़िया. स्प्लिटिंग रिंग कम्यूटेटर, ये हमारी स्प्लिटिंग रिंग है, ये जो आपको दिख रहा है सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कल जो में आर वन और आर टू, ये वाले आर वन, ये जो डार्क डार्क है ये आर वन आर टू. तो टू सेमी सर्कुलर रिंग कनेक्ट विद आर्मेचर विच ऑल्सो रोटेट विद आर्मेचर इन साइड एक्सल. ओके, ठीक है, ये आपकी जो रिंग है ये स्प्लिट रिंग बोलते हैं हम इन लोगों को, या कम्यूटेटर भी बोलते हैं. ये आपको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ से किससे कनेक्ट है? आर्मेचर से कनेक्ट है. है आर्मेचर से कनेक्ट कि नहीं है? ये आर्मेचर से कनेक्ट, ये आर्मेचर है पूरा. यहाँ से ये जो दोनों रिंग हैं, ये दोनों रिंग किससे कनेक्ट हो गई?
ये यहाँ से आर्मेचर से कनेक्ट है, ये वाली रिंग भी यहाँ से R1 R2 भी यहाँ से कनेक्ट है और R2 भी यहाँ से कनेक्ट है। दोनों रिंग किससे कनेक्ट होगी? आर्मेचर से कनेक्ट होगी। और ये अंदर की साइड इसमें इंसुलेटेड होता है, ये अंदर की साइड इंसुलेटेड होता है और एक्सेल लगा होता है इसमें। एक्सेल क्यों? ताकि ये रिंग घूमे, जैसे आर्मेचर टर्न करेगा ये रिंग भी एक्सेल के साथ घूमेगी, इसलिए इसमें एक्सेल भी लगा होता है। जो यहाँ पर पिक्चर में शो नहीं हो पा रहा है इसलिए मैंने लिख रखा है एरो लगा के एक्सेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कम्यूटेटर या स्प्लिटिंग रिंग, ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनाने के लिए दो पोल हो गए। उसके अंदर है ब्रशेज और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। ये जो B1 आपको B2 दिख रहा है इनको ब्रशेज बोलते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं। इनका काम क्या है? टू कार्बन ब्रशेज B1 B2 एक्ट एज द कॉन्टेक्ट बिटवीन द कम्यूटेटर एंड टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इनका काम क्या है? ये कम्यूटेटर से कनेक्ट है, देखिए यहाँ से कम्यूटेटर यानी कि स्लाइडिंग स्प्लिटिंग रिंग। तो ये ब्रशेस जो हैं कार्बन ब्रशेस जो हैं यहाँ से कनेक्ट है बैटरी से, B1 यहाँ से कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, B2 यहाँ से कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये दोनों कनेक्ट किससे हैं? R1 R2 से कनेक्ट हैं। एक्सक्यूज मी, दोनों किससे कनेक्ट है? R1 R2 से। यानी कि ब्रशेस का काम है कि जो कम्यूटेटर है उसको कनेक्ट करना और बैटरी के टर्मिनल्स को कनेक्ट करना, ये ब्रशेस का काम है। उसके बाद बैटरी, फिर तो ये मालूम ही है कि बैटरी बैटरी ब्रशेस से कनेक्ट है और इसमें से करंट सप्लाई हमारी होगी। बैटरी क्या? बहुत सारे ढेर सारे सेल मिलकर एक बैटरी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन हो गया कि कैसे कैसे हम इसको अरेंज करेंगे, जो हमारे 5 इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज करना है। अब आती है इसकी वर्किंग, वर्किंग और समझ लीजिए कि ये कैसे काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर। ये तो समझ में आए किस किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है जो कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये आपको बता दिया। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कितने इक्विपमेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके, इतने 5 पार्ट्स होते हैं, उनको कैसे अरेंज करते हैं, इस तरह से इनको अरेंज कर दिया। अब आती है बात वर्किंग की, ये वर्क कैसे करता है। तो समझिए, पहला पॉइंट, करंट एंटर्स थ्रू B2 एंड बैक टू बैटरी थ्रो B1, बिल्कुल सही। ये पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव, आपको मालूम है करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट गया B2 से फ्लो होता हुआ ये गया और B1 से वापस बैटरी में आ गया। जितना करंट बैटरी से जाता है उतना करंट बैटरी में वापस आता है, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझाया था बच्चों। तो यहां से गया ये B2 से फ्लोज होता हुआ और ये B1 में वापस, B1 से होता हुआ वापस आ गया, ठीक है। तो हमारा जो पाथ हुआ थ्रो B1, करंट इन आर्म्स AB ऑफ कॉइल फ्लोज फ्रॉम B2A। अब जो AB आर्म है, इस आर्मेचर की जो AB आर्म है AB, तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा? B2A। और जो CD आर्म है उसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा? D2C। तो जो हमारा पाथ बना वो क्या बना? DCBA, यही बना DCBA, यही तो बना पाथ। ये हमारा पाथ बन गया, ब्लू मार्क का ये पाथ हमारा बन गया। ये हमने पाथ को यहाँ पर लिख रखा है, कौन सा पाथ बन गया हमारा? पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में पाथ कौन सा बन गया हमारा बच्चों? पाथ बन गया DCBA, ठीक है। ये हमारा पाथ बन गया, ये हो गया हमारा पाथ, ठीक है। मना देख लीजिए, यहाँ से B2 से करंट जा रहा है DCBA, ये हमारा पाथ तैयार हो गया कि करंट इस तरह से जा रहा है, डी से बी में जा रहा और जो AB आ रहा है उसमें B2A पे आ रहा है, बहुत बढ़िया। फ्लोज फ्रॉम B2A एंड इन आर्म CD फ्लोज फ्रॉम D2C, ठीक है, क्लियर। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब हमें इस पर देखना है कि फोर्स कहाँ एग्जर्ट हो रहा है। ये जो दो आर्म है हमारी, एक्सक्यूज मी, ये जो दो आर्म है AB और CD जो आर्म है इसमें फोर्स कहाँ एग्जर्ट हो रहा है वो हमें देखना है। अब हम फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम इसमें फोर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग लॉन्ग, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB pushes it upward। अब AB पे जो लग रहा है फोर्स, आइए देखते हैं कैसे फोर्स लग रहा है AB पे। हमारा जो फोर्स चेक करते हैं AB आर्म पे फोर्स, ये हमारा लेफ्ट हैंड, याद है लेफ्ट हैंड रूल, फिंगर्स, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, थंब, तीनों इस तरह से स्ट्रेच करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। फोर फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेंट्रल फिंगर बताता है करंट की डायरेक्शन, और ये क्या बताता है? हम फोर्स की डायरेक्शन। तो बस इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। यस,
अपवर्ड लग रहा है, देख लीजिए। अगर इसको हम लिटा के देखेंगे तो ये पोजीशन होगी, करंट इस तरफ जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये अपवर्ड यानी कि अपवर्ड की तरफ, आउटवर्ड बोले या अपवर्ड बोले, आउटवर्ड या अपवर्ड। तो करंट के फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, यानी ए बी आर्म पे जो फोर्स लग रहा है वो मैंने एरो भी बनाया, इस तरफ को लग रहा है अपवर्ड की तरफ, ठीक है। तो ये लिख रखा है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये लिख रखा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुशेस इट अपवर्ड, ठीक है। अब सी डी में देख लें, सी डी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये शो कर रहा है, जो ग्रीन एरो लगा है इस तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट जा रहा है डीसी सी डी आर्म में, डी टू सी करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ये, फिर से लेफ्ट हैंड रूल, फिर से लेफ्ट हैंड रूल लगाओ ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करो सबसे पहले, यस मैग्नेटिक फील्ड इधर हो रही, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ये लगा दिए, देख लीजिए। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट की डायरेक्शन ये, करंट ये शो कर रहा है सेंट्रल फिंगर करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहाँ लग रहा है, इनवर्ड्स अंदर की तरफ, देख लीजिए। तो सी डी आर्म पे फोर्स लगा अंदर की तरफ, तो वो भी लिख रखा है कि वाइल फोर्स एक्टिंग ऑन सी डी पुशेस इट डाउनवर्ड्स, ठीक है, अंदर की तरफ यानी कि डाउनवर्ड्स। तो अब क्या होगा, जब फोर्स इस पे ऐसे लगेगा तो ये टर्न करने लगेगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस कैसे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये चीज टर्न करने लगेगी, घूमने लगेगा। ये जो आर्मेचर है इसमें एक्सल के साथ रिंग के साथ कनेक्ट है, तो ये आर्मेचर घूमेगा, टर्न करेगा। तो आफ्टर हाफ रोटेशन, अब समझे यहाँ पे बात बच्चों, दूसरी फिगर मैंने बनाई नहीं है, आपको यहीं पर समझाना पड़ेगा, यहीं पर समझना। जब ये घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा, तो जो ए है वो यहां पर हो जाएगा, घूमेगा तो ये ए बी आर्म जो है वो ए बी आर्म आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी कि नहीं, और जो सी डी आर्म है आपकी वो सी डी आर्म आ जाएगी यहां पर, भाई टर्न करेगा, ये घूमेगा, भाई फोर्स लग रहा है ये ऐसे, ये देखिए डॉट डॉट से लग रहा है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि इसे टर्न करना चालू कर दिया हाफ रोटेशन में, ये टर्न किया तो हाफ रोटेशन में ए बी ये आर्म हो जाएगी और सी डी हमारी ये आर्म, और जो रिंग है एक्सेल लगा है इसमें रिंग, तो ये जो रिंग है स्प्लिटिंग रिंग बोल रहे हैं इनको, स्प्लिटिंग रिंग या कम्यूटेटर, ये भी घूमेगा एक्सेल के साथ, तो जो आर टू आर वन है वो भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, आर टू यहां पर आ जाएगा और आर वन यहां पर आ जाएगा, आर टू यहां पर आ जाएगा, आर टू आर वन भी चेंज हो जाएंगे, आर टू यहां पर आ जाएगा और आर वन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, आर टू यहां चला जाएगा, आर वन यहां पर आ जाएगा, इतना समझ में आया। तो ये जब 180 एंगल पे रोटेट हो जाएगा, 180 घूम जाएगा, ये आधा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पोजीशन अब हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर के अप्लायंसेस जो इसमें लगे हैं इक्विपमेंट, ये पोजीशन हमारे पास आ जाएगी आधे राउंड की। अब फिर से करंट सप्लाई हो रहा, तब हम देखते हैं, अब जो ए बी आर्म है उसमें ए टू बी जा रहा है, पहले बी टू ए आ रहा था, पहले बी यहां था ए यहां था, तो बी टू ए आ रहा था, अब ए टू बी करंट जा रहा है, जो सी डी आर्म था उसमें डी से सी में जा रहा था, अब यहां पे सी से डी में आ रहा है करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करते हैं, अब फोर्स चेक करते हैं, फोर्स कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, अब ए बी आर्म पे देखो, ए बी आर्म पे करंट ऊपर की तरफ ये, यानी कि कहां लग रहा है, डाउनवर्ड्स। अभी ए बी पर पहले देखो, पहले ए बी पर कहां लग रहा था फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी पुशेस अपवर्ड, अब देखो अब कहां पे लग रहा है, अब डाउनवर्ड्स देख रहा है, लिटा के देखेंगे तो डाउनवर्ड्स लगेगा अंदर की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड्स अब ए बी पर लग रहा है। आफ्टर हाफ रोटेशन आर टू कनेक्ट बी वन, आर टू कनेक्ट हो गई बी वन से, एंड आर वन कनेक्ट विद बी टू, ये हमने समझाई दिया। नाउ पाथ फ्लो करंट ए बी सी डी, अब करंट का पाथ हो गया ए बी सी डी, ठीक, पहले क्या था, पहले था आपका डीसी बी ए था पाथ, डीसी बी ए पाथ था, अब क्या बन गया, ए बी सी डी पाथ हो गया। द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल दैट वॉज अर्लियर पुश्ड अप इज नाउ पुश्ड डाउन, अब जो ए बी पे करंट हो रहा है वो पुश्ड डाउन हो रहा है और सी डी पे पुश्ड अप हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी पुशेस अपवर्ड, अब ए बी पे कौन सा लग रहा है, देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट शो करें, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो कहां लग रहा है, ए बी पे, ए बी पे लग रहा डाउनवर्ड्स, पहले लग रहा था, पहले हाफ रोटेशन से पहले लग रहा था कितने में, ए बी पर लग रहा था अपवर्ड, अब ए बी पे डाउनवर्ड्स, और सी डी पे, अब सी डी पे भी देख लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट, और ये करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ ऐसे घुमा दो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स, अब सी डी पे अपवर्ड लग रहा, पहले सी डी पे कहां लग रहा था,
पहले वाले केस में लग रहा था सीढ़ी पे पुशेस डाउनवर्ड्स, अब सीढ़ी पे कैसे लग रहा है, पुशेस अपवर्ड, पुशेस अप, पुशेस अप, क्लियर। तो ये हमारा इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग होता है, यानी पूरे कंप्लीट रोटेशन में रिंग भी अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, कभी R1 B2 से कनेक्ट हो जाती है, कभी R2 B1 से कनेक्ट, यानी कि पहले राउंड में, पहले हाफ राउंड में R1 B1 से कनेक्ट रहती है, R2 B2 से कनेक्ट रहती है, जब हाफ राउंड हो जाता है तो R1 B2 से कनेक्ट हो जाती है और R2 B1 से कनेक्ट हो जाती है, और ये भी इस तरह से इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो इन पर जो फोर्स आर्म्स, जो आर्मेचर की जो आर्म्स हैं, उन पर फोर्स कभी अपवर्ड लगता है, कभी डाउनवर्ड्स, कभी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड्स, तो इस तरह से कंटिन्यूसली रोटेशन चालू होने लगता है। तो वो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ये द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीट after every half rotation and give the rise continuously rotation of the coil and axle। हर एक राउंड में ये करंट क्या हो जाता है, रिवर्स होने लगता है, इनकी एजेस पर रिवर्स होने लगता है करंट, कभी ए बी यहाँ आ जाता है, कभी ए बी यहाँ रहता है, कभी सी डी यहाँ रहता है, कभी सी डी यहाँ, तो जब ये रोटेट करती हैं तो इक्वल अपोजिट फोर्स की वजह से ये रोटेट करने लगती हैं और करंट रिवर्स होने की वजह से एक्सेल लगा है इसमें तो रिंग भी रोटेट करने लगती है, तो ये कंटिन्यूसली रोटेशन बन जाता है इस इलेक्ट्रिक मोटर का। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग पूरी समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है। एक बार फिर से बता दें, बैटरी से कनेक्ट होता होता हुआ ब्रश बी टू और बी वन, देखिए पहले रोटेशन में आर वन यहाँ पर होगा, पहले रोटेशन में क्या होगा, आर वन यहाँ पर होगा, आर टू यहाँ पर होगा, आर वन यहाँ पर, आर टू यहाँ पर, पहले रोटेशन में। चलो अब लिख ही दे रहा हूँ, समझा क्या है, ठीक है, आगे आऊंगा समझ में, समझदार हो आप लोग, ठीक है। पहले रोटेशन का और हाफ रोटेशन के बाद फिर से, यानी 360 में वो दो बार रोटेट करेगा ये और आर्मेचर, ठीक है, स्प्लिट रिंग और आर्मेचर, हाफ रोटेशन में इधर से उधर घूमेंगे और ये भी इधर से उधर घूमेगा, तो पूरे 360 डिग्री में दो बार हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। अब इन स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, अब स्पीड हम कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ करंट थ्रू द आर्मेचर, ये तो हम आर्मेचर में करंट बढ़ा दें, करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा दें कि करंट अगर कम जा रहा है तो बहुत ज़्यादा करंट सप्लाई कर दें तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा केस, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दें, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो इसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉइल, जो हमने यहाँ पे कॉइल वाउंड कर रखी है उनका एरिया बढ़ा दें। थर्ड, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ आर्मेचर, या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, तो इन चार केसेस से जो रोटेशन की स्पीड है इस मोटर की वो बढ़ जाएगी। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है आई मैन, यानी कि आयरन मैन से याद रख सकते हैं आप लोग कि स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं रोटेशन की। आई फॉर करंट, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दें, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, या ए फॉर एरिया बढ़ा दें, या एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं। तो आई मैन, आयरन मैन से आप याद रख सकते हैं इसको कि स्पीड ऑफ रोटेशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, आई मैन से, आयरन मैन से स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा सकते हैं। आई फॉर करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए, एरिया बढ़ा दीजिए कॉइल का, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से ये पूरा हमारा वर्कआउट हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक मोटर के बच्चों, ये पूरा टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आया होगा। थैंक यू।